नमस्ते आदाब सस्री अकाल केम छो तमे मजा माने कशे आहत तुम्ही मजेत ना। मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं काल परिवर्तन। काल मीन्स व्हाट, काल मीन्स टेंस। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो काल में रखे, काल ध्यान में रखे, काल परिवर्तन के अंतरंग एक प्रश्न दिया जाएगा। इसमें तीन वाक्य दिए जाएंगे, इनमें से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखना है। और इसके लिए मार्क्स कितने रहेंगे आपको? 2 मार्क्स रहेंगे। ओके, क्योंकि 2 के कहा है ना उन लोगों ने। तो चलो भाई, अभी हम लोग देखते हैं क्या है ये काल परिवर्तन। आई थिंक मैं थोड़ा सा झूम कर देती हूँ ताकि हम लोगों को बराबर से दिखाई दे। ओके, हाँ, तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अभी क्रिया मीन्स व्हाट, क्रिया मीन्स वर्क, व्हाट एवर वर्क वी आर डूइंग। तो इज इट प्रेजेंट टेंस, इज इट पास्ट टेंस, व्हाट वाज दैट? ओके, व्हेन वी आर डूइंग एनी वर्क देन व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं टाइमिंग का, तो उसे ही कहते हैं काल। ओके, टेंस। ओके, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसमें भी देखो, अभी यहां पर है सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स व्हाट? वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस। ओके, सामान्य वर्तमान काल मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, फिर सामान्य भूतकाल, भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सामान्य भविष्यकाल मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, डोंट फॉरगेट, वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस एंड भविष्यकाल मीन्स फ्यूचर टेंस। ओके, अभी सामान्य वर्तमान काल। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया मीन्स जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, या तो हम लोग बातें कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। ओके, तो एट प्रेजेंट हम लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिल रही है उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। तो इसमें हम लोग को पता नहीं चलता कि ये हो गया है, क्या ये होने वाला है या हुआ नहीं है अभी तक, तो ये हम लोगों को इस वाक्य में पता नहीं चलता। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स देंगे और आप लोगों को पूछेंगे कि भाई ये कौन सा टेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस या है ये सिंपल फ्यूचर टेंस या है ये सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो भाई, वाक्य एक, करामत अली को चारा देता, सॉरी, करामत लक्ष्मी को चारा देता है। अभी देता है यानी देता है मीन्स वो दे चुका है, वो भी नहीं समझ में आता है हम लोग को, क्या फिर वो देने देने वाला है ये भी समझ में नहीं आता, चारा देता है। ओके, मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं। ओके,
they will take their own time and they will come, they comes. तो इसमें भी हम लोगों को पता नहीं चलता कि वो कंप्लीट हो गया है एक्ट, कि वो चालू है क्या, हो रहा है. ओके तो इस तरह से इसके एग्जांपल्स इन लोगों ने हमें यहाँ पर दिए हुए हैं. आई होप मैं जितना इजी वे से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं. ओके और लाइक करना बच्चों, आप लोग ना लाइक नहीं करते हैं भाई, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूट्यूब से मुझे मैसेज आया कि बच्चे लोग देखते हैं आपका चैनल लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई मैं नाराज़ हो जाऊंगी फिर आप लोगों से. फिर आप लोगों का ही नुकसान होता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में जब मैं आती हूँ तो आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप ही नहीं करते हो ऑल में, इसके लिए आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलता. फिर मैसेज करोगे मीन्स आप कब लाइव आने ले, कब लाइव आने ले, जब मैं लाइव आती हूँ तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता आप लोगों को. फिर तो आप लोग का ही नुकसान है ना इसमें, इसके लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन टैप करना ऑल पे, और लाइक करना जरूर, और अपने दोस्तों को रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना. ठीक है तो अभी देखो भाई, अभी हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल मीन्स सिंपल पास्ट टेंस. भूतकाल पास्ट टेंस मीन्स जो हो गया. ओके योर बर्थ इज पास्ट टेंस. ठीक है आप पैदा हो गए वो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया है ना, जो बात हो गई वो. अभी सिंपल भूतकाल में वाक्य कैसे होते हैं देखो जरा. क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ है. अभी एक पर्टिकुलर क्रिया जब हम लोग करें, काम जो कर रहे हैं उसके बोलते समय या करते समय हम लोगों को ऐसे पता चलता है कि वो जो एक्ट है वो एक्ट कंप्लीट हो गया है, तो उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल. क्या कहते हैं उसको? सिंपल पास्ट टेंस यानी सामान्य भूतकाल कहते हैं. क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है. जैसे ऑफिस के बड़े बाबू आए. ओके फिर दूसरा है बच्चे खेलने लगे. ये इसके उन्होंने हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं. तो ये किसके एग्जांपल्स है? सामान्य भूतकाल के है. ओके इसमें बोलते या लिखते समय कार्य पूरा हो गया, जैसे आए, बच्चे खेलने लगे. नेक्स्ट है सामान्य भविष्य काल. क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा. कोई भी एक्ट है, जो कोई भी काम है जो हम लोग कर रहे हैं उससे ऐसे पता चलता है, हम लोग बोल रहे हैं तो उससे ऐसे पता चलता है कि वो आगे होने वाला है काम. ओके उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं. जैसे वो अभी न चालू है न वो हो गया है लेकिन वो होने वाला है. ओके तो जैसे कि एग्जांपल, आज फिर कोई दुर्घटना होगी. ठीक है पॉसिबिलिटीज होगी. ओके तो अभी जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया कि ओहो आज मेरा काम जरूर पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा बिल्ली ने रास्ता काट दिया है. अभी बोलते हैं ना हम लोग, यानी जो ऐसे विश्वास रखते हैं वो लोग, मैं ही नहीं मानती इन सब बातों को, बेचारी वो बिल्ली है वो जा रही है, लेकिन बोलते हैं ना ओ शिट यार बिल्ली गई अभी काम नहीं होगा, है ना. तो ये क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर टेंस. लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे. ओके तो ये क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर टेंस. आई होप आप लोगों को अभी मैंने क्या क्या सिखाया है, सिंपल सामान्य वर्तमान काल जिसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य भूतकाल जिसे कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और सामान्य भविष्यकाल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके अभी ये तीनों आप लोगों को समझ में आए, वर्तमान काल जो चालू है, भूतकाल जो हो गया है, भविष्यकाल जो होने वाला
है. ओके ये तो टेंस आप लोगों को फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही सिखा कर हो गए हैं, फोर्थ फिफ्थ में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ही. तो अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा. और भूलना मत भाई, भूलेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. फॉर और इसके आगे मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ सामान्य कालों के रूप और उसके प्रकार क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. तो विदाउट फेल मेरा अगला वीडियो आप लोग जरूर देखना. ठीक है. और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन टैप करो, शेयर करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, जो है एब्सोल्युटली फ्री. तो आप लोगों को भाई घर बैठे इतना अच्छा ज्ञान कोई नहीं देगा, वो भी फ्री में. तो फटाफट सब्सक्राइब करना है. आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है. ओके और लाइक जरूर करना मेरे वीडियो को भाई. आप लोग के लाइक है ना बहुत कम 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 होते जा रहे हैं, तो मेरा जो टॉनिक का काम है ना जरा कम हो जाएगा फिर. ठीक है. मैं कितना मेहनत करती हूँ, मैं दिन में कितने वीडियोस अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग एक लाइक नहीं दे सकते मुझे. वेरी बैड, ऐसे नहीं चलेगा भाई. लाइक तो आपको देना ही पड़ेगा एक. ओके ठीक है, चलो देखती हूँ ना मैं अभी, मुझे पता तो चल ही जाएगा. अभी तो अगला वीडियो डालने वाली हूँ ना मैं आप लोगों को. अब ग्रामर 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 करते रहते हैं ना तुम लोग, अभी देखते हैं ग्रामर के लिए कितने लाइक्स देते हैं तुम लोग मुझे. ठीक है. और घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना. और स्कूल आप लोगों के चालू होंगे, जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, तो इस भ्रम में मत रहना कि एक साल दो साल कोरोना की वजह से आप लोग प्रमोट हो गए तो अभी भी ऐसे ही होगा. नो नो वे, वरना बहुत भारी पड़ेगा आप लोग को. ठीक है. और छुट्टियों में सब लोग निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन की प्रैक्टिस करेंगे. बिल्कुल भी टाइम खाली खेलने में, गप्पे हाँकने में, फालतूगिरी करने में, सोने में वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग. ठीक है. एक घंटा में आप लोगों को ये सब करना चाहिए पढ़ाई, तो आप लोगों के लिए ये लाइफ टाइम काम में आने वाली चीजें है. ओके तो चलो भाई मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में. सामान्य कालों के रूप किस प्रकार होते हैं उसका मैं वीडियो आप लोगों को अगली वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ. ओके चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.